सबसे पहले क्या चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड अ ड्राइंग बुक. हियर आई एम हैविंग द ड्राइंग बुक. इसका जो पेज है दैट इज़ क्वाइट थिक इनफ. तो इसमें अगर मैं स्केच पेन से कलर्स भी करूँगी तो वो नहीं रहेगा, मतलब पीछे साइड को इतना नहीं आएगा. एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर ये आदिवासी स्वरा वाला पेंटिंग बनाई है और इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं. तो इसका जो है यहाँ पीछे कुछ भी नहीं आया है. सो यू कैन यूज दिस साइड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ और पेंट समथिंग एल्स. सो नेक्स्ट कम आई यूज दीज पेंसिल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज फेवर पेंसिल ब्लैक मेट 1112 HB पेंसिल एंड इट्स क्वाइट गुड आई थिंक. सो आई हैव मेड ऑल माई ड्रॉइंग्स विद दिस. एंड द नेक्स्ट पेंसिल दैट आई यूज इज अप्सरा प्लैटिनम एक्स्ट्रा डार्क. दिस पेंसिल एक्चुअली इट इज डार्क एंड इफ यू वॉन्ट टू यूज इट फॉर शेडिंग पर्पज सो यू कैन यूज इट. एंड इट डिपेंड अपॉन यू हाउ यू कैन यूज इट. इफ यू आर इफ यू नो लिटिल बिट अबाउट इट, इट टेक्स अ क्वाइट बिट ऑफ टाइम बट देन यू कैन लर्न इट. सो ठीक है, मतलब एक बार प्रैक्टिस ही होती है, एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए. एक बार आपको समझ में आएगा तो उसके बाद आप कर पाएंगे. तो फिर दूसरा आइटम जो हमारे पास है, ऑब्वियसली यू विल नीड एन इरेजर क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक तो सबसे होती है. देन यू विल नीड अ ब्लैक स्केच पेन. आई यूज अ ब्लैक स्केच पेन, इट्स अ लक्ष्य. यू कैन यूज एनी ब्लैक स्केच पेन फॉर आउटलाइन पर्पज. इफ यू वॉन्ट अ थिक आउटलाइन यू कैन यूज दिस. फॉर फाइन आउटलाइनिंग आई यूज दिस लक्ष्य ग्राफिक प्लस ओ फाइव. And if you want me, I can show you this one more. This is what a black sketch pen looks like. Hope you can see. And this is what it looks like. अगर आपको कोई बहुत ही फाइन आउटलाइनिंग करनी है तो आप इसका यूज करिए. बहुत अच्छा पेन है. इट्स कॉस्ट ओनली 10 rupees. ओनली 10 rupees. अगर आप ऑनलाइन सर्च करना चाहेंगे तो वहाँ पर बहुत वेराइटीज के आपको आउटलाइन पेन मिलेंगे. बट इफ यू आर बिगिनर एंड बाय दिस सो मच मनी टू कैन गेट इट इन योर कॉस्ट. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस डोम्स 12 कलर पेंसिल एंड इट हैज इट्स लाइक दिस. और इसके साथ एक ये भी एक कैप सा है शायद, इसको इसमें लगा कर एंड यू कैन ईजिली शेड इट और ड्रॉ इट. यू कैन डू एनी थिंग एंड आई लव दिस थिंग बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, शार्प करते करते वो बहुत छोटा हो जाता है, उसको होल्ड करके यूज़ कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस अप्सरा 12 ऑयल पेस्टल्स कलर. इट्स गुड, इसमें बहुत वेराइटी से कलर्स आते हैं. बट अगर आप बिगनर्स हैं और आपको लर्न करना है तो आई विल रिकमेंड यू टू यूज दिस थिंग बिकॉज इट कॉस्ट यू नॉट मोर देन आई थिंक 30 rupees. और अगर आप इससे जो बड़ा वाला पैक आते हैं जो एक्चुअली प्रोफेशनल्स या लोग ये सोच रहे हैं कि भैया हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बड़ा ही क्यों ना ले लें एक बार कहीं, तो मैं यही बोलती हूँ कि पहले आप इससे प्रैक्टिस करें. इससे जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए, एक बार आपको अच्छे से मतलब बंद लगे, फिर आप वो बड़ा जो पैक आता है जिसमें बहुत सारे वेरियंट ऑफ कलर्स होते हैं वो आप परचेज कर सकते हैं. बट इफ यू आर विद यू शुड हैव दिस थिंग. सो द नेक्स्ट आइटम इज स्केच पेन्स. सो आई गॉट देम क्योंकि मुझे एक्चुअली दूसरे स्केच पेन चाहिए थे बट मुझे नहीं मिल रही थी. तो आई गॉट देम. या दे आर नॉट बैड, यू कैन यूज देम एनीवेयर इफ यू वांट जस्ट फॉर एक्स्ट्रास. So next you have is this paint colors. जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, अगर आप बिगनर्स हैं तो इतना महंगा क्यों इन्वेस्ट करना. जस्ट इन्वेस्ट दिस मच ओनली दिस एंड लर्न इट. जब आप बहुत अच्छे सीख जाए उसके बाद आप तीन चीज़ें जरूरत करते हैं. फॉर फर्स्ट यू शुड हैव दीज थिंग्स दैट यू कैन यूज इट एंड आई लाइक देम. बचपन में बहुत यूज़ करे, बचपन में मैम लोग बना स्कूल में मंगवाती थी एंड इट वॉज फन, रियली फन.
और इसके साथ एक ब्रश भी मिलता है। एंड वन मोर थिंग, इसमें एक और चीज़ थी कि हमें स्कूल में बताते थे कि रेड और येलो को मिलाओगे आप तो ऑरेंज भी बन जाएगा, ग्रीन कलर को लाइट भी कर सकते हैं, ब्लू को लाइट करके। सो यू शुड नो दिस कलर कॉम्बिनेशन, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज माय फेवरेट, मुझे मतलब जो स्केच पेन्स चाहिए थे फाइनली वो मुझे मिल गए, और मुझे वो यहाँ लोकल स्टोर पे ही मिले, मुझे बहुत ढूंढना पड़ा उनको। एंड दीज आर माय फेवरेट कार्स, आई जस्ट लव इट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब इनके कलर्स आप देखेंगे ना, इनके कलर्स देखें कितने प्यारे हैं, बस मन करता है कि देखते रहो देखते रहो देखते रहो, इसको बस ऐसे ही रख लो नजरों के सामने। आई होप हम अपकमिंग वीडियोज में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मैं कल ही लेकर आई हूँ, आई वॉज वेटिंग फॉर देम ओनली। तो ये थी मेरी वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी ड्रॉइंग्स अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ नया आर्ट या कुछ नई वीडियोज़ लाऊँ जो आप चाहते हैं मैं बनाऊँ, तो वो भी मेरे को कमेंट के थ्रू आप बताएं, सो दैट आई कैन डू दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच।